जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की सबसे बड़ी खबर, 10वीं पास पहली बार 2022 में इतने सारे पदों पर भर्ती आई है, ठीक है। और जिसकी एज लिमिट है 18 से 40 साल के सभी लड़के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसकी पूरी जानकारी देंगे, साथ ही में आपको बता दें इसकी टोटल जो पोस्ट है आपको 38,926 देखने को मिलेगा। कुछ लड़कों को भरोसा नहीं होगा तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। ऑफिशियली साइट पे लेके चलते हैं और इसका आवेदन आपको कैसे करना है ये भी बताते हैं। सैलरी क्या है, इसमें पोस्ट का नाम क्या है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आज की ये जानकारी, 10वीं पास जो ये बड़ी भर्ती आई है सभी युवाओं के लिए है, ठीक है। साथ ही साथ एज लिमिट 18 से 40 साल है, ठीक है। और ये इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग में भर्ती है, ठीक है। और इसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता होनी चाहिए, 10वीं पास के साथ साथ आपको साइकिल चलाना या कोई और काम भी दफ्तर का आना चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। और टोटल पोस्ट यहाँ पे 38,926 है। तो चलिए साइट पे तुरंत चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये सरकारी सभी साइटों पे अपडेट हो गया है, यहाँ पे आज का अपडेट है, उससे पहले ये सारी अपडेट आई थी, ठीक है। यहाँ पे BSF वगैरह सब कुछ, PNB और ये एडमिट कार्ड चल रहा है। तो यहाँ पे इंडियन पोस्ट GDS ग्राम डाक सेवा, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म 2022, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा दिखेगा कितने पदों पे भर्ती है, उसके बाद इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में ऐड कर देंगे, क्या क्या कितनी एज है, क्या जरूरी चीजें हैं, कितनी छूट मिलेगी OBC ST के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले बता देते हैं इसकी फॉर्म फीस 100 रुपये। आप लोग को 2 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, यानी 2 मई से फॉर्म भरा जा रहा है। और यहाँ पे 5 तारीख मई के बाद जून, 5 जून तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फीस पेमेंट की भी डेट उसी दिन है। मेरिट लिस्ट और रिजल्ट जो आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जनरल OBC वालों के लिए 100 रुपये है, SC ST हैंडीकैप वालों के लिए 0 है, ऑल कैटेगरी फीमेल सभी लड़कियों के लिए 0 रुपये, 1 रुपये भी नहीं है, ठीक है। अब आगे आपको बताते थे एज, एज मिनिमम आपका 18 साल रहेगा तभी अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 40 साल तक है तो अप्लाई कर सकते हैं, और छूट भी आपको मिलेगी, ठीक है, वो नोटिफिकेशन में बताया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पोस्ट की बात बता देता हूँ, इंडियन पोस्ट GDS 2022 वैकेंसी की डिटेल जो है 38,926 पोस्ट है, जिसमें एक ही पोस्ट का नाम है ग्राम डाक सेवा, ठीक है, सेवक, ठीक है। यहाँ पे टोटल पोस्ट है, एलिजिबिलिटी में सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, विथ मैथ इंग्लिश सब्जेक्ट ये आपका रहना चाहिए, ठीक है। नोन एज लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ऑल इंडिया भर्ती है तो जिस स्टेट में भी आप अप्लाई करोगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जो भी है, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को पढ़ें। तो चलिए हम सीधा नोटिफिकेशन इसका देखते हैं, ठीक है, सीधा हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ इसमें बताया गया, ठीक है। तो इस वैकेंसी की डिटेल, इस साइट पे आपको जाना है, ये उसकी ऑफिशियली साइट है, इंडियन पोस्ट GDSonline.gov.in पे जाके अपना फॉर्म आवेदन करना है, ठीक है। आवेदन की तिथि आपको दे दिया गया है, 2 तारीख से स्टार्ट है, यानी कल ही से स्टार्ट है, और 5 तारीख अगले महीने में खत्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्केल आपको बताया गया है, शुरू में क्या आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। इसमें आपको सैलरी क्या रहेगी, फर्स्ट में आपको 12,000 10,000 देखने को मिलेगा, उसके बाद जो बढ़ेगी वो आपको बता दिया जाएगा उसी में, ठीक है। यहाँ पे नोट, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके काम से रिलेटेड, ठीक है, और इसी पे जाके आपको अपना अप्लाई करना है। नोट यहाँ पे GDS होल्डर्स आर सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड ऑफ रेगुलर सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। आपको जो सर्विस देनी है कितने घंटे की है, ज़्यादा नहीं है, वो भी सब बताया गया है। और यहाँ पे थर्ड लाइन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे एज के लिए है फोर्थ लाइन, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया है। और यहाँ पे अब आपका देख लेते हैं छूट किस हिसाब से मिल रही है। OBC SC ST के लिए यहाँ पे छूट दिया है, 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल, हैंडीकैप वालों के लिए 15 साल, यह सब शेड्यूल वाइज छूट दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से, ये पोस्ट का नाम है, पोस्ट में क्या क्या आपको काम करना है, और ये कंपलसरी है, नॉलेज आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। हाँ, नॉर्मली 90% लोग साइकिल चलाना जानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, साइज वगैरह फोटो वगैरह का बता रहे हैं, लोकेशन वगैरह क्या आपका होना चाहिए, फोटोग्राफ मेन मेन यहाँ पे, हाँ बात कर लेते हैं इस पे। यहाँ पे
नेम ये आपका 10th पे सर्टिफिकेट पे जो नाम है वही चलना चाहिए। फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, पीडब्ल्यूडी, अगर डिसेबिलिटी है तो विकलांग है तो लगा सकते हैं। स्टेट 10th पास आप स्टेट बोर्ड से होना चाहिए। लैंग्वेज स्टडी 10th में होना चाहिए। और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग क्या क्या डालना है, स्कैन फोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है, बस इतना आपको फॉर्म में डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या आ जाता है वो देख लेते हैं। और इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए क्या है इसमें, डॉक्यूमेंट, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे फोटो वगैरह बताया गया है कि कितने साइज का रहेगा, 50 KB, 20 KB, सिग्नेचर। उसके बाद जॉब प्रोफाइल, क्या आपका काम है, कैसे काम है, किसके अंडर में काम करना है, काम का प्रोसेस क्या है, सब कुछ समझाया गया है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसमें पॉइंट भी मिलता है, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे और नेमो पोस्ट, पोस्ट का नाम, और यहाँ पे अंडरटेकिंग जो मेन चीज़ दिया गया है इसे साइन करके आपको सबमिट करना है। तो यहाँ तक तो हो गया, अब आपको सीधा जाना है, फटाक से इसका आवेदन करना है। इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है क्लिक कर दो, कमेंट बॉक्स खाली है कमेंट करो, कॉर्नर में बेल आइकन बनता है उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दो, कोई और जानकारी बढ़ती आएगी तो हम आपको बता देंगे। आई होप की जानकारी अच्छी लगी होगी, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, सभी अपडेट वहाँ भी चली जाती है, तो वहाँ से भी आप जुड़ जाइए।